अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन सिक्स ऑफ एक्सरसाइज 13.2। क्वेश्चन सिक्स क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस ऑफ डायमीटर 24 सेंटीमीटर। कह रहा है कोई ना, एक हमारा एक आयरन पोल है, ठीक है, वो ना सिलेंडर की फॉर्म में है। मैंने एक सिलेंडर बना दिया, हमारे एक आयरन पोल है, कह रहा है जैसे हमारी गली में पोल्स नहीं लगे होते, वो सिलेंडर की फॉर्म में होते हैं, जो आयरन के पोल्स होते हैं, ठीक है। कह रहा है जो हमारा एक आयरन पोल है ना, वो सिलेंडर की फॉर्म में है, जिसकी हाइट 220 सेंटीमीटर है। मैंने हाइट दे दी यहाँ पे 220 सेंटीमीटर, ठीक है, 220 सेंटीमीटर। और कह रहा है उसकी रेडियस जो है वो 24 सेंटीमीटर, उसकी उसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कह रहा है 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो रेडियस कितनी हुई, रेडियस 24 की हाफ हुई, 24/2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितनी आ गई हमारी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितनी दी हुई है हमारी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। कह रहा है ये जो पोल है ना, इसके ऊपर एक और सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है, एक और सिलेंडर ऐसे करके, ऐसे एक सिलेंडर एक और फिट है इसके अंदर। उसकी कह रहा है उसकी हाइट और रेडियस है, हाइट है उसकी 60 सेंटीमीटर, रेडियस है 8 सेंटीमीटर, हाइट उसकी 60 सेंटीमीटर और उसकी रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है, ठीक है। ये हमारा पूरा ना आयरन पोल ही है, लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ, मतलब कह रहा है कि एक सॉलिड आयरन पोल है, वो एक तो ये वाले सिलेंडर का बना हुआ है और उसके ऊपर एक ये वाला सिलेंडर फिट है दोनों, ठीक है। ये पूरा एक हमारा आयरन पोल है, ठीक है। हमेशा कहा सॉलिड जब भी लिखा हो ना, एक चीज मैंने आपको बतानी थी, जब भी हमारे क्वेश्चन में सॉलिड लिखा हो ना, सॉलिड का मतलब होता है कि वो पूरा अंदर से भी पूरा लोहे से भरा हुआ है, ठीक है, पूरा फुल भरा हुआ है, ठीक है। लोहे इसके अंदर भी लोहा है और बाहर से भी लोहे से बना हुआ है, पूरा अंदर पूरा लोहा लोहा है इसके अंदर, ठीक है ना। सॉलिड का मतलब वो पूरा भरा हुआ होता है, ठीक है, हमेशा ये याद रखना, जब भी सॉलिड लिखो, सॉलिड का मतलब हमेशा अंदर से भी वो पूरा फुल भरा हुआ होता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द मास ऑफ पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, ठीक है। तो कह रहा है कि हमें बेसिकली ना इसका मास निकालना, जब भी हमारे को मास निकालने के लिए गए ना, तो हमेशा याद रखना, जब भी मास कहे तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, वॉल्यूम, ठीक है। सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। तो सबसे पहले मैं पूरा आयरन पोल का वॉल्यूम निकालता हूँ, वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल, वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल है क्या, इस वाले बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस ये वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर, बिग सिलेंडर कह लो, बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, ठीक है, स्मॉल सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर है पाई आर स्क्वेयर एच, इसकी इसकी आर को बड़ा आर ले लो और इसके एच को बड़ा एच ले लो, ठीक है। और इसकी ये छोटा सिलेंडर है, तो इसकी जो रेडियस है इसको स्मॉल आर ले लो और इसकी जो हाइट है इसको स्मॉल एच ले लो, ठीक है। इसकी हाइट बिग एच और इसकी रेडियस बिग आर, ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वेयर एच प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वेयर और स्मॉल एच, ठीक है। हमने दोनों की अलग अलग लेनी है, क्योंकि दोनों की अलग अलग हाइट और रेडियस है ना, इसकी हाइट 60 है, इसकी हाइट 220 है, तो दोनों की हाइट को हम एक ही एच थोड़ा ले सकते हैं, स्मॉल स्मॉल एच या बिग बिग एच दोनों को नहीं ले सकते, दोनों को अलग लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही रेडियस है, रेडियस को भी अलग अलग लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों अलग है। तो पाई आर स्क्वेयर एच प्लस पाई आर स्क्वेयर, इसमें से हम पाई कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। बचा क्या, आर स्क्वेयर एच प्लस स्मॉल आर स्क्वेयर एच, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज डाल दो। अब इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो हमें पाई की वैल्यू डालनी है ना, 3.14 डालनी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एंड में लिखा हुआ है। जब भी नहीं लिखा होता तब हम 22/7 डालते हैं, जब भी हमें मेंशन होता है ना कि 3.14 लो, तो हमें 3.14 से ही करनी होती है, ठीक है, पाई की वैल्यू। तो आर बिग आर क्या है हमारा, 12, 12 का स्क्वायर इंटू में एच, एच क्या है 220, प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर कितना है 8, 8 का स्क्वायर इंटू में स्मॉल एच कितना है 60, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा 3.1, ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 का स्क्वायर 144 इंटू में 220 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इंटू में 60, ठीक है, ये 3.14 ऐसे का ऐसे ही, चाहे इसको ऐसे लिख दो, डेसिमल हटा के नीचे 100 लिख दो, ऐसे कर दो, ठीक है। तो बचा क्या, 314/100 इंटू में, अब ये इसको प्लस करो, इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करो, तो कितना आएगा, ये 144 × 220 होता है हमारा, 144 × 220 होता है 31680, ठीक है, और 64 × 60 होता है 3840, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही होता है, ठीक है। तो ये कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 314/100
इनटू में इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 35520, ठीक है, 35520। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो इतना आ जाएगा ये इनटू में। तो अब हम क्या करेंगे, 314 इनटू में करेंगे 35520, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड में, ऐसे 100 का 100 ही लिखे रहने देंगे और इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं 314 इनटू में 35520। इसको जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1115 3280, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आंसर आएगा हमारा। तो ये बेसिकली वो हमारा वॉल्यूम आ गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल, आयरन पोल इज इक्वल टू कितना है हमारा, 1115 3280 डिवाइड बाय 100, ठीक है, सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारा पूरा इसका वॉल्यूम आ गया। तो हमें क्या कहा है, बेसिकली मास निकालने के लिए कहा है और हमें एक कंडीशन दी हुई है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 8 ग्राम। मास हमेशा हम ग्राम या किलोग्राम ऐसे नापते हैं, ठीक है, ग्राम में या केजी में हम मास को ऐसे नापते हैं। तो हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ, 8 ग्राम होता है, तो हमारे टोटल इतना इतना सेंटीमीटर क्यूब आया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1115 3280 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू, अब देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारे 8 ग्राम होते हैं, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे, ठीक है, इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे, 8 इंटू में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1115 3280 डिवाइड बाय 100, ठीक है, इसको इससे काट दो, अब ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसको 1115 3280 को इंटू में 8 करके आंसर निकाल दो, ये डिवाइड बाय 10 रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको 8 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा हमारा 892 892 2624, ठीक है, इतना ये हमारा ग्राम में आ गया, ठीक है। अब इसको ये डेसिमल हटा दो इसके नीचे से, तो क्या आ जाएगा हमारा, इज इक्वल टू ये 10 हटा देंगे तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा ना, 892 2624, ठीक है, 4 के यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, जब हम यहाँ इसके नीचे से 10 हटाएंगे तो डेसिमल लग जाता है ऊपर, ठीक है, ये हमारा ग्राम में आ गया आंसर, ठीक है। अब आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ तक भी हमारा बिल्कुल सही है, कोई एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है, फुल फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे। पर पीछे अगर आपको पीछे से आंसर मिलाना है तो पीछे आंसर केजी में दिया हुआ है, ठीक है, ग्राम को केजी में लिखने के लिए क्या करते हैं हम, डिवाइड बाय 1000 कर देते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा केजी में, किलोग्राम में। तो अब ये 1000 डिवाइड बाय 1000 किया है हमने, तो अभी अब नीचे से 1000 हटाएंगे तो ऊपर डेसिमल लगा देंगे ना, ठीक है, वो 890 ये डेसिमल आ जाएगा। इसके बाद अब ये यहाँ से शुरू करेंगे, 1020 2030, 892.2624 केजी आंसर, ठीक है, चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, 892.26 केजी, ठीक है, ये हटा दो चाहे सिर्फ 2 पे ही छोड़ दो, ठीक है, हमारी मर्जी है, जहाँ जहाँ तक मर्जी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, ठीक है, 892.24, ये 892.26 2.4 ग्राम, ग्राम तक भी छोड़ सकते हो, ठीक है, केजी में नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ही मिलेंगे पक्का, ठीक है। पीछे केजी में आंसर दिया हुआ तो आपका वो पीछे से आंसर मैच नहीं कर रहा, तो मैंने मैच भी करवा दिया आपको, ठीक है, दैट्स इट।